नमस्कार। जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह जी एक बार अकेले ही बांदा कुयाला की तरफ निकल पड़े। उन्होंने देखा कि एक महिला सुनसान राह पे गधे पर जंतरे में दो घड़े पानी ले जा रही थी और एक घड़ा उसके खुद के पास था। आसपास कई किलोमीटर तक दूर दूराज में कोई बस्ती कोई गांव भी नहीं था। महिला ने महारावल साहब को पहचाना नहीं और वह अपने रास्ते पर चली जा रही थी। महारावल ने पास जाकर देखा, महिला गहनों से लदी हुई थी। उसके गले में कम आधा सेर सोने का एक बाड़ला चमक रहा था। महारावल ने महिला से पूछा, अरे भाई ये रोई रण में तू हेखली पै जावे बीको लाग तो, अर्थात हे बहन इस सुनसान राह में तू अकेली जा रही है और तुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि तेरे पास ऐसी सामग्री है जिसके कारण तुझ पर संकट आ सकता है। तो उस महिला ने जवाब दिया, बी कई बात रो भाया, लारे काको ज्वारो है, जे कई हाथ को लगायो तो नीले कंटों में कोको बाड़े, अर्थात डर किस बात का भैया, शासन जवाहर सिंह काका का है, यदि किसी ने हाथ भी लगाया तो गीले कांटों में जला नहीं देगा क्या। तब महारावल साहब मुस्कुराए और उनको पूछा, क्या तुमने महारावल साहब को देखा है क्या। तो उन्होंने कहा, नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि उनका जूत इतना बड़ा है। उसने अपने हाथ की कलाई का इशारा करते हुए जूते की नाप भी बता दी। यहाँ जूत से तात्पर्य शासक के दंड से है। दंडेन रक्षते धर्म है, अर्थात शासक के दंड में कम इतना प्रभाव तो होना ही चाहिए कि दूर दराज में जनता अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शांति से रह सके और अपराधियों में खोप हो। न्याय की इस अवधारणा से दूर आजकल हम कहाँ आ गए हैं जहाँ कानून का मात्र किसी को। जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल जवाहर सिंह जी का आज ही के दिन 1914 में राजतिलक हुआ था। उनके बारे में उनकी किस प्रकार से जनता में लोकप्रियता थी उसकी कहानी आपने इस उदाहरण के रूप में जानी। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।